जय श्री मनारायण गुरु जी। जी मैं आपको गुरु मानती हूँ और जब से आपका भागवत कथा सुनना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। मेरा यही प्रश्न है कि क्या आपने श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया है? अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा? भगवान का साक्षात दर्शन तो वृंदावन में, आपके घर में जो आप ठाकुर जी देखते हैं विग्रह रूप में, उन्हें साक्षात मानकर ही दर्शन करना चाहिए सबको, आपको भी, हमको भी, सबको। जैसे अर्जुन को दिया था वैसे दर्शन, वो दर्शन होगा। अभी उस दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, नंबर कभी ठाकुर जी लगाएंगे। विराट रूप का जो दर्शन अर्जुन को हुआ, धन्यवाद गुरु जी। बाकी आप जो दर्शन गोपाल जी का करते हैं घर पर पूजा करके, उन्हें इस भाव से ही देखा करो कि ये साक्षात भगवान ही है, ये भाव ना हो कि ये मूर्ति है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं बिहार से हूँ, जहाँ पे आप दरभंगा में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपका कथा हुए थे। हाँ गुरु जी, वहाँ तो आपका दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम मेरा बहुत बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ जो यहाँ हैदराबाद आए, आपका बैनर देखे तो आपका दर्शन हो गया। गुरु जी एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, आपके कथा सुने तो उससे हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। गुरु जी आप जैसे कह रहे थे कि हर एक मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है, तो हर एक जब मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है तो भगवान तो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। जब भगवान गलत कार्य नहीं करते हैं तो एक दूसरे से जलन क्यों, एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों, एक दूसरे का चोरी क्यों, एक दूसरे को मार क्यों देते हैं? गुरु जी इस तरह से क्यों होते हैं? भगवान तो ऐसा कार्य नहीं करते हैं। अच्छा देखो, भगवान सबके भीतर हैं आत्मा के रूप में, जैसे कूलर है, पंखा है, एसी है, ये तीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए जी। एसी को यदि बिजली मिल जाएगी तो कमरा ठंडा कर देगा, और हीटर को यदि बिजली मिल जाएगी तो कमरा गर्म कर देगा। तो बिजली है, वो पावर देती है। अब आप चाहे कमरा ठंडा करने का हिसाब कर लो या कमरा गर्म करने का हिसाब रखो, उसी तरह ईश्वर तो केवल आत्मा के रूप में आपको पावर दे रहे हैं, आँखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, वाणी को बोलने का पावर, पाँव को चलने का पावर। तो अब आँखों को पावर तो देखने का है, अब क्या देखना है क्या नहीं देखना वो आप निर्णय लीजिए, वो आपके पास बुद्धि है। क्या सुनना क्या नहीं सुनना आप निर्णय लीजिए, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वो ईश्वर पावर दे रहे हैं, सबके लिए बराबर है, सबको देखने की शक्ति है, लेकिन क्या देखना है वो आपके पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है, बुद्धि दे रखी, वो आपको निर्णय लेना पड़ता, उसी हिसाब से आप पाप और पुण्य के भागीदार बनते हैं। धन्यवाद गुरु जी, खुश रहिए।